सलार 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 लिटरली गाइस हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रभास की न्यू मूवी सलार का नाम छाया हुआ है। और दोस्तों यार जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से यार ये ट्रेंडिंग से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और भाई इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया क्योंकि यार इसने 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज इतनी जल्दी क्रॉस कर लिए। वेल दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सलार की कुछ बहुत खतरनाक थ्योरीज के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सलार का इसमें डबल रोल होगा, मतलब की डुप्लीकेट होंगे। एक होगा सलार फौजी और एक होगा सलार मॉनिस्टर, मतलब एक गैंगस्टर और एक फौजी। भाई साहब लेकिन सबसे पहले पार्ट में हमें फौजी को दिखाया जाएगा और उसके अगले पार्ट में हमें मॉनिस्टर सलार दिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी तो बहुत सारे लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इसकी कास्ट में विजय सेतुपति और श्रुति हसन जो कि भाई साहब साउथ इंडियन मूवीज की काफी खतरनाक एक्टर हैं। वेल दोस्तों इसकी कास्ट में विजय सेतुपति सर भी हैं और दोस्तों जूनियर एनटीआर का भी इस मूवी में कैमियो होगा। लेकिन दोस्तों इन लोगों के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? वेल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी कास्ट के बारे में कि इनका क्या रोल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजय सेतुपति सर के बारे में जो कि भाई साहब बहुत खतरनाक एक्टर हैं। आपने उन्हें फर्जी जैसी खतरनाक वेब सीरीज में देखा ही होगा। और दोस्तों यार जब इस मूवी के कास्ट में वो हैं तो 100% उनका रोल विलन वाला होगा क्योंकि यार इसमें जो हमारे पृथ्वीराज सर हैं जिनका लास्ट में रोल दिखाया गया है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैं इस सलार मूवी में विलन नहीं होने वाला हूं, मतलब कि तो विजय सेतुपति सर इसमें विलन हो सकते हैं। और दोस्तों यार इसमें शायद जगपति बाबू भी हैं। वेल दोस्तों विजय सेतुपति सर अगर इसमें विलन हुए तो भाई साहब उनका तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि यार जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं उनके ऊपर विलन वाला रोल बहुत जचेगा। वेल दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हो वो विलन की तरह लगते भी हैं और सलार के साथ टक्कर करेंगे तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। अब दोस्तों यार बात कर लेते हैं श्रुति हसन के बारे में जो कि भाई साहब बहुत खतरनाक एक्टर हैं। वेल दोस्तों यार इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये सलार की गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं या तो सलार मूवी में इनका बहुत ही अलग रोल होगा, मतलब कि यार इन्हें कुछ ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन यार फिर भी हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रॉकी भाई की गर्लफ्रेंड थी उनका इतना तो रोल इन्हें मिलना ही चाहिए, मुझे भी लगता है कि इनका रोल उतना ही होगा। वेल दोस्तों यार ये सलार के साथ बहुत ही मस्त लगेंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जूनियर एनटीआर भी इस मूवी में आएंगे। वेल दोस्तों यार आपको अब तक पता ही लग गया होगा कि केजीएफ के किंग रॉकी भाई का भी इस मूवी में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आप इस फरमान को देख सकते हो जो कि भाई रॉकी भाई का एक बहुत ही खतरनाक सैनिक होता है, मतलब कि एक वफादार फैन जो कि भाई रॉकी भाई के लिए जान भी दे सकता है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो फरमान है इसके गले में जो ताबीज है वही हमें सलार के पोस्टर में प्रभास के गले में भी देखने को मिला था। और भाई सलार भी एक मुस्लिम नाम है और फरमान भी एक मुस्लिम नाम है और इन दोनों की मदर भी सेम ही है, मतलब यार आप सोच सकते हो कि इन दोनों का कितना बड़ा कनेक्शन है इस मूवी में। वेल दोस्तों यार अब एक और चीज बहुत सारे लोग बता रहे हैं केजीएफ मूवी जिस जगह शूट हुई थी वहीं पर सलार मूवी शूट हुई है। अब यार ये थ्योरी मुझे ज्यादा सच तो नहीं लग रही है, पता नहीं यार अब ये तो आपको मूवी में देखने को ही मिलेगा। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज दे देता हूँ कि सलार मूवी का ट्रेलर रिलीज होगा 12 नवंबर को, मतलब कि 15 दिन पहले। और ऐसा ही केजीएफ मूवी के साथ भी हुआ था। अब यार नील मोहन सर ये कर भी सकते हैं क्योंकि यार ऐसा ही वो हर मूवी में करते हैं। वेल दोस्तों यार बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इसका जो ट्रेलर था वो मुहूर्त देखकर निकाला गया, शायद इसका ट्रेलर भी ऐसा ही किया जाए, देखते हैं भाई साहब क्या होता है। लेकिन दोस्तों यार कुछ भी कहो आदि पुरुष के बाद प्रभास अब धूम मचा रहे हैं और पठान मूवी के बाद SRK भी फॉर्म में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों उनकी जवान मूवी ऑलरेडी हिट हो चुकी है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।